जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेली एजुकेशन में। मैं मेरे साथी आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूँ विज्ञान यानी कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 13, जिसमें मेरे साथी नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे साथी मैं आप लोगों को इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। प्लीज़ आप लोग चैनल पर लगातार बने रहेंगे। प्लीज़ आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे साथी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को। मेरे साथी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट तो हो गई है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात मैं ये आपको बताने चाह रहा था कि यहाँ से हमारे टोटल रहेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के? जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर वाले, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, और 2 क्वेश्चन रहेंगे दो दो नंबर के। कितने कितने नंबर के? 2 क्वेश्चन दो दो नंबर के, कुल मिलाकर 2 2 4 और 2 6 6 नंबर के यहाँ से मेरे साथी क्वेश्चन आएगा। चलिए हम आपको ले चलें अपने उस 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। मेरे साथी प्लीज़ आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिए। वीडियो स्किप करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे साथी देख लीजिए, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, तो सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को अपन को पढ़ के चलना है, ठीक। देखिए यहाँ से मेरे साथी अपना पहला क्वेश्चन कहता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। मेरे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, दैनिक जीवन से संबंधित उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। मेरे साथी ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके ओके, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, काफी अच्छे से। क्या 2 अक्षर का तो आंसर ये आएगा नहीं, पर काम चलाऊं, है ना, आ सकता है है ना। चलिए आगे चलें, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ ही, मुझे हंसी आ रही है चलिए कोई बात नहीं, है ना, चलिए आगे चलते हैं हम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए मेरे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2019 में आया था, तो 2023 में कंफर्म आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए। और बहुत अच्छा लग रहा है जबकि अपनी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी फैमिली जरूर लाखों में चलेगी। तो प्लीज़ लाखों तक पहुंचने के लिए आप हमारी मदद करें, हेल्प करें, और ज़रूर वो मुकाम मिले जिसकी सब बेसब्र से इंतज़ार है हम लोगों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर लिखिए। मीन्स मेरे साथ ही एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर बोला जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। प्रेरित धारा क्या है मेरे साथ ही, प्रेरित धारा आ सकती है सिर्फ प्रेरित धारा, ठीक है। चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित धारा कहलाती है। आगे चले हम, विद्युत फ्यूज क्या है मेरे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज 2020 में आया था, तो 2023 में आने के लिए बहुत चांस है। विद्युत फ्यूज को आप देख लीजिएगा, पर चलिए मैं ही थोड़ा सा इसको दिखा दूं। उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु से बनी वह युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है विद्युत फ्यूज कहलाती है। मेरे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, प्लीज इसे आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि बाद में आप मुझे ना कहिए कि सर आपने नहीं बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, जो कि आपके परीक्षा में सिर्फ 2 ही पूछेगा, है ना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के जहां तक प्रभाव होता है। देखिए आंसर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल की अनुभूत होती है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मीन्स मेरे साथी मैं बता रहा हूँ वो लिखिए, है ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उससे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि एको बछवा रहे और वो करा, जैसे मान लो कि संदीप है, हमारे चैनल में संदीप नाम का लड़का है, और वो संदीप क्या करिया, संदीप वीडियो भी देख रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, हाँ देख रहे हो, कोई बात नहीं। देखिए एक संदीप है मान लीजिए और एक वरुण है, संदीप और वरुण दोनों की लड़ाई होती है,
और एक का नदी के उस पार घर था, संदीप का नदी के उस पार और वरुण का नदी के इस पार। ठीक, अब यहीं पे हमें समझना ये है कि जो संदीप का नदी के उस पार था तो वरुण भी धोखे से नदी के उस पार गया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। संदीप ने वरुण को खूब मतलब दो चार थप्पड़ लगा दिया। ठीक, अब यहीं पे वरुण बोला कि चल तू आ जाना मेरे क्षेत्र में, तब तुझे मैं देख लूंगा। ठीक, मीन्स आ जाना मेरे क्षेत्र में, तो वरुण का जो पहुंच था, जो उसका पावर था, वो नदी के इस पार था, ना कि नदी के उस पार। तो इसलिए वरुण ने अपने क्षेत्र के लिए क्या बोला, आ जाना तो मेरे क्षेत्र। तो जहां तक वरुण का पहुंच था वो क्षेत्र वरुण का क्षेत्र हुआ, जहां तक संदीप की पहुंच है वहां तक संदीप का क्षेत्र हुआ। तो जहां तक हमें चुंबक का प्रभाव है वहां तक चुंबक का क्षेत्र, जहां तक विद्युत का प्रभाव है वहां तक विद्युत का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक मेरे साथी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलें। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका भी देख लीजिएगा। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। विद्युत चुंबक क्या होती है मेरे साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक को भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है दो नंबर में। दृश्य धारा के तीन स्रोत लिखिए, नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के लिखिए, नहीं आएगा, पर थोड़ा सा देख लीजिए, दो नियम है शायद आ जाए दो नंबर में। ठीक, ड्राइंग बनाना नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फ्लेमिंग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम देख लीजिएगा, पर ये 3 नंबर लाइक क्वेश्चन है, ज्यादा चांस नहीं है, आना मुश्किल है। लघुपथन क्या है, नहीं आएगा। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाइए, ये आ सकता है 2021 में, तो 2023 में आएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण नहीं, 2 गुण ही आएगा आपके एग्जाम में। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को चित्र सहित समझाइए, नहीं आएगा। विद्युत परिपथ नहीं आएगा, नामांकित चित्र नहीं आएगा। फिर विद्युत मोटर का नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कार्य भी। फिर इसके बाद आता हमारा प्रेरण, जो कि लास्ट अध्याय है साइंस का, है ना मेरे साथी। साइंस की इतनी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर की, तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके मेरे साथी वो सारी वीडियो आप विजिट करिए, है ना। और फिर ये हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अध्याय 15 बता देंगे और अपना ये साइंस का भी चैप्टर, साइंस का भी अपना सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक मेरे साथी, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।